हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साक्षी ये लो ना। अरे शेट शेट शेट, अरे बहुत डिस्काउंट प्राइस में एकदम आधे दाम पे दे रहा हूँ साहब। नहीं चाहिए। अरे आप देखो तो सही, अरे बहुत अच्छा क्वालिटी। अरे भाई एक बार बोला ना, नहीं चाहिए। क्वालिटी देखो, क्वालिटी। ओ मैडम जी देखो ना, मैडम जी लो ना, अच्छी क्वालिटी का है मैडम जी, एकदम अच्छा क्वालिटी का है मैडम जी। अरे क्यों परेशान कर रहे हो, एक बार बोल दिया ना नहीं चाहिए। ओ भाई वो देखो ना, मैडम को कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ उसे। अरे वो गर्दन से खून आ रहा है। क्या? हाँ मैडम के गर्दन से खून आ रहा है साहब। सुची, सुची, वो देखो, सुची, वो देखो, सुची। काफी खून बह चुका है, लगता है गोली काफी देर पहले चली थी। ये सब कैसे हुआ? मिस्टर आशुतोष। अच्छा, और इनका नाम क्या है? ये मेरी बीवी, मेरी वाइफ सुची, मेरा मतलब है मेरी एक्स वाइफ सुची। एक्स वाइफ? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं चला सर। कुछ मालूम नहीं? तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे बगल वाली सीट पे बैठी थी, उस पे गोली चली और तुम्हें कुछ मालूम नहीं? कैसे हो सकता है? मेरा आशु कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो कह रहा है कि उसे पता नहीं चला, तो आई एम श्योर उसे पता नहीं चला होगा। आप? जी मैं मेहिका, इनकी प्रेजेंट वाइफ। मिस्टर आशुतोष, जब सुची को गोली लगी और पिछली सीट का शीशा टूटा तो आवाज तो आई होगी, और आप कह रहे हैं आपको कुछ मालूम नहीं पड़ा? कैसे? दरअसल गाड़ी में म्यूजिक तेज चल रहा था और सुची सो रही थी सर, मुझे कुछ पता नहीं चला। वो बंदा कुछ सामान बेचने आया, उसने जब मुझे बताया तब तो मुझे पता चला कि सुची। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और सुची सो रही थी। कमाल है, अक्सर लोगों की नींद जरा से आहट से खुल जाती है, और इतने लाउड म्यूजिक में सुची सो रही थी। सर आपकी बात से पता चल रहा है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? सुची और मेरा डिवोर्स जरूर हुआ था, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। अब दिनेश से पूछ लीजिए प्लीज। दिनेश? सर मैं सुची का भाई। आशुतोष सही कह रहे हैं सर, तलाक के बाद भी आशुतोष और सुची में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, कभी कोई मनमुटाव नहीं था। अच्छा, तो आप लोग जा कहाँ रहे थे? हम हमारी बेटी रूही की बोर्डिंग स्कूल से लौट रहे थे। तो ये सुची कार में बैठते ही सो गई या बाद में? सर दरअसल हमारे बीच में बहस हो रही थी। आशुतोष, रूही का स्कूल बहुत अच्छा है, हमें उसे उस स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। सुची ये स्कूल बहुत ही महंगा है, मैं इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं कर सकती हूँ, और मैं अपनी बेटी की एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों? ओह, तुम्हारा मेल ईगो आगे आ जाता है ना कि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। जानते हो हमारे डिवोर्स की भी यही वजह थी, एक औरत एक आदमी से ज्यादा कामयाब रिश्तों में होनी चाहिए, पति पत्नी में नहीं। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, और ना ही इस बारे में कोई और बात करनी है। रूही इसी स्कूल में रहेगी। उसके बाद हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, मुझे लगा कि वो सो गई है। अच्छा, ये जब झगड़ा हो रहा था तो गाड़ी कहाँ पे थी, किस इलाके में? सर लिंक रोड के सिग्नल पे, केपी थिएटर के पास। और फिर उसके बाद कौन सा रास्ता लिया आप लोगों ने? सर वहाँ से फिर मैंने लेफ्ट लिया, पानी फ्लाईओवर की तरफ, और सीधा यहाँ पे आ गए। जी सर। यानी करीब 2 किलोमीटर तक ये गाड़ी चली, तो इस 2 किलोमीटर के बीच में ही कहीं पे गोली चली है सुची। अंकल एक काम करो, केपी थिएटर से लेके यहाँ से इधर 2 किलोमीटर दूर तक चेक कर लो, कहीं पे कोई सबूत वगैरह मिलता है क्या? मतलब कांच वगैरह का टुकड़ा टूटा होगा, वो देख लेना, और पैदल जाना। 2 किलोमीटर सर, पैदल चलो। गोली बड़ी अजीब एंगल से लगी है, ये नीचे है, गोली ऊपर से नीचे की तरफ आई है, मतलब गोली चलाने वाले को हाथ ऊपर करना पड़ा होगा फायर करते समय। खुली सड़क पे किसी ने गोली मारी है और किसी ने देखा नहीं। हो सकता है खूनी थोड़ा दूर हो, फिर भी मुश्किल है निशाना लगाना ये चलती गाड़ी पे, और वो भी तब जब खूनी किसी गाड़ी पे हो या बाइक पे। ऐसे निशाना लगाना इतना आसान नहीं है। रास्ते में कहीं पे गाड़ी रोकी थी तुमने? सिग्नल पे रोकी थी सर, बस, और कहीं नहीं। अगर सिग्नल पे किसी ने गोली चलाई हो या फिर कहीं और से भी गोली चलाई हो तो वो निशाना लगाने के लिए वक्त तो लगेगा। तो किसी ने गोली मारते हुए किसी को देखा कैसे नहीं? हेलो, हाँ सर, ठीक है सर, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? एसीपी साहब का फोन था, एक और लाश मिली है कामरे ब्रिज के नीचे। आपको पता कैसे चला इस लाश का? लोकल पुलिस को आसपास के लोगों ने कंप्लेंट दी थी। 2 घंटे पहले लाश मिली है, सिर के पीछे घाव है और पीठ पर भी गोली का निशान। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसे किसी ने यहाँ पे मारा या कहीं और मार के यहाँ पे फेंका है? देखते हैं फ्रेडी। सर रोड पर एक लवारिस बाइक भी मिली, मुझे लगता है इसी आदमी की वो बाइक। सर ऐसा लगता है ये आदमी बाइक पे जा रहा होगा, किसी ने पीछे से गोली मार दी, डिसबैलेंस हो गया, गाड़ी बाइक स्किड होके किसी चीज से यहाँ पे टकराई होगी और उसकी बॉडी यहाँ नीचे गिर गई। सर पे चोट उसी वक्त लग गया होगा। हाँ। सर समझ में नहीं आ रहा ये आदमी कौन है, इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब ये मिसिंग पर्सन ब्यूरो में पूछताछ करूँ क्या? फ्रेडी इतनी जल्दी कोई भी मिसिंग पर्सन ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। काम करो आरटीओ में जाकर इस बाइक का रजिस्ट्रेशन चेक करो, सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, मालिक कौन है वगैरह। दूसरे केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, बड़ा अजीब केस है, समझ में नहीं आ रहा गोली किसने चलाई और कहाँ से। सर वो पूरा इलाका देख लिया सर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ट्रैफिक पुलिस ने क्या बताया? सर ट्रैफिक पुलिस वाले, वहाँ के दुकानदार और 2-3 जन और जो खड़े थे उन सबसे पूछा सर, किसी को खून के बारे में कुछ नहीं पता। सर सूची पे गोली चली कहाँ से? देखते हैं। सर मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पता कि सूची को गोली कब और कैसे लगी। आशुतोष, दिनेश, मैं ही कहा, सूची के सबसे करीब थे ना तुम तीनों भी? नहीं तो फिर आप बताओ, सूची की मौत से तुम तीनों में से किसका फायदा होने वाला था? क्या मतलब? सर हम सूची को क्यों मारना चाहेंगे? उसे मेरी सगी बहन थी, सगी बहन, मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा सर? करोड़ों रुपयों के लिए। और क्या? करोड़ों रुपयों के लिए मुझे क्या फायदा हो सकता था? मेरा और सूची का तो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था। हो सकता है डिवोर्स ही वो वजह हो। डिवोर्स के बाद भी मैं और सूची बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी अपनी पहली बीवी के साथ जो दोस्ती थी वो शायद तुम्हारी दूसरी बीवी को पसंद ना आए। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इनकी दोस्ती से क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे इनकी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर टाइप की लड़की नहीं हूँ। अगर सूची की हत्या तुम तीनों में से किसी ने नहीं की तो फिर किसने मारा सूची को? किसने मारा? मैं बताता हूं आपको। सूची एक एनजीओ में काम करती थी, उसने वहां पर शेली नाम की एक अकाउंटेंट का भांडाफोड़ किया था, क्योंकि शेली पैसे को लेकर हेराफेरी कर रही थी। तुम्हें लगता है कि शैली का हाथ हो सकता है सबके पीछे? जी हाँ सर, कई बार शैली ने उसको धमकी भी दी थी। सर मुझे तो लगता है कि ये काम पृथ्वी का हो सकता है। अब ये पृथ्वी कौन है? पढ़ाई बदतमीज किस्म का इंसान है, रोमियो टाइप। सूची ने पुलिस में कंप्लेन भी की थी उसके खिलाफ, कुछ दिन के लिए जेल भी गया था। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये तीनों गड़बड़ लग रहे हैं। इन तीनों पर कड़ी नजर रखो। दया सर, शैली और पृथ्वी दोनों को ब्यूरो बुला लेते हैं। सर आरटीओ से बाइक के मालिक का पता चल गया। सर पृथ्वी और शैली का फोन अनरीचेबल आ रहा है, तो मैंने फ्रेडी से कहा है उनकी मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए। ये तो हमारा डिलीवरी बॉय विवेक है सर, हमारी बाइक ज्यादातर यही चलाता था सर, इससे किसने मार दिया? वही पता करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इस विवेक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, ये तो बहुत ही सीधा साधा शरीफ लड़का था। कब से काम कर रहा था वो यहाँ पे? पिछले एक महीने से, राजस्थान से आया था सर, बहुत मेहनती था सर। ये तो यहाँ शहर में किसी को जानता भी नहीं था। ये कहाँ जा रहा था डिलीवरी करने? कहीं नहीं सर, सर छुट्टी थी आज उसकी, इसलिए मेरी बाइक लेकर घूमने के लिए गया था। अच्छा, उसका घर का एड्रेस दे सकते हैं जरा? सर उसका घर का एड्रेस नहीं है, वो यही शॉप में सोता था। उसका सामान वगैरह कुछ? सर ये उसका एक बक्सा है। ये सर ये विवेक के बॉक्सेस और सारे सामान चेक किए मैंने, उसमें ये सर्कस के पैम्फलेट्स के अलावा और कुछ नहीं मिला। या तो उसे सर्कस बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, या फिर अपने फ्री टाइम में ये पैम्फलेट बना के वो पैसे कमाता होगा। एक ऐसा मर्डर जिसमें सस्पेक्ट ही नहीं है। आखिर तो विवेक जैसे गरीब आदमी को मार के किसी को क्या फायदा हो सकता है? वही तो फिर ये सूची का दूसरा मर्डर जिसमें कई लोगों पर हमें शक है, उनमें से कोई भी गाड़ी के पास जाकर के गोली चला सकता था सूची पर। नहीं बस, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। कौन सी बात से? यही कि किसी ने इसे पास से गोली मारी। क्या मतलब? सब मतलब ये यार, ये तो राइफल की गोली है। हाँ सर, और ये गोली सूची के गले पर यहाँ इस तरफ फंसी हुई थी। गोली राइफल से चली है तो काफी दूर से चली होगी। हाँ बिल्कुल, दूर से भी और बस ऊंचाई से भी। हाँ मैं बताता हूँ। ये देखो बस 50 डिग्री एंगल से सूची को गोली लगी है। गोली यहाँ से आई, उसने कार की खिड़की का शीशा तोड़ा और उसकी गर्दन में आकर के लगी। ये गोली जिस एंगल से आई है सर, कितनी दूर से चली होगी गोली? सर लगभग 70 फीट की ऊंचाई से। किसी बिल्डिंग से गोली चलाई है, स्नाइपर तैयार बैठा था बिल्डिंग के ऊपर गोली चलाने के लिए। काम करो जरा इस एरिया का मैप निकालो। तो गोली गाड़ी के बाई तरफ से आई थी और बाई तरफ तकरीबन बहुत सारे ये बिल्डिंग्स और हाई राइज टावर्स है सर। तो जिस जगह पर दोनों का झगड़ा हुआ, वहाँ से लेके सूची की लाश जहाँ पे मिली, उसके बीच में तकरीबन 15 से 20 टावर्स है। इन्हीं में से किसी एक बिल्डिंग से गोली चली होगी। अभिजीत सर के हाथ में क्या मार्क है फ्रेडी? ठीक उसी हाइट पे जिस हाइट पे सूची पे गोली लगी थी। मेरे हाथ में ये डिजिटल डिस्टेंस रीडर है, इससे ये लेजर लाइट उस मार्क पे अगर ठीक जाता है तो इसका मतलब है कि गोली यहाँ इसी बिल्डिंग से चली है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, यह अभी करके देखते हैं। हाँ दया, मैं तैयार हूँ। ओके अभिजीत थोड़ा राइट में आना, राइट में, हाँ हल्का, थोड़ा लेफ्ट, बस बस बस, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ये देखा, ये लेजर ठीक उस मार्क पे हिट नहीं कर रहा, लग नहीं रहा है वहाँ पे। गोलियाँ से नहीं चली सर। एग्जैक्टली। अरे ये स्नाइपर के पास ज्यादा वक्त थोड़ी ना होगा निशाना इधर उधर करने के लिए, जब उसने शुचि पे गोली चलाई। एक काम करते हैं, किसी और बिल्डिंग में देखते हैं। ठीक है, चलो। हेलो। हाँ हेलो, क्या ये फैंटेसी सर्कस जयपुर राजस्थान का ऑफिस है? जी हाँ, बोलिए। देखिए, मैं मुंबई सीआईडी से एसीबी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। क्या आपके यहाँ कोई विवेक काम करता था? हाँ हाँ, जानता हूँ विवेक को, वो इसी सर्कस में काम करता था। क्या हो गया? क्या काम करता था वो, कुछ बता सकते हैं? देखिए साहब, अगर सारा दिन आपसे फ़ोन पर लगा रहोगे ना तो मेरा शो कैंसिल हो जाएगा। मैं आपकी बात अपने मालिक को बोलता हूँ, वो आपको कॉल कर रहेंगे, समझे? हेलो, कमाल है सर, बिल्डिंग में वॉचमैन ही नहीं था। लगता है गोली यहीं से चली होगी। देखते हैं। हाँ अभिजीत, रेडी है? नहीं अभिजीत, यहाँ से निशाना कुछ ठीक से लग नहीं रहा, थोड़ा राइट में आना, राइट में, और थोड़ा, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ पे लग गया निशाना। इसका मतलब शुचि यहाँ पे थी जब उसको गोली लगी। पंकज, फ्रेडी, जरा देखो आसपास, उस स्नाइपर ने कोई सुराग छोड़ा है क्या? लेकिन यार दया, यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर तो है नहीं। ऐसा कौन सा स्नाइपर था जो वहाँ बिल्डिंग पे बैठ के इतनी तेज चलती हुई गाड़ी पे ऐसा निशाना लगाए जो शुचि की गर्दन पे जाके लगे? हाँ ये बात तो है। आशुतोष, जब तुम्हारी गाड़ी ये यहाँ पर थी जी, तभी किसी वजह से तुम्हारी गाड़ी को स्लो करना पड़ा हो या फिर रोकना पड़ा हो, कुछ याद है? हाँ सर, मैं जब ड्राइव कर रहा था तो गाड़ी के आगे एक भिखारी आया था, मुझे ब्रेक मारनी पड़ी थी। भिखारी? हाँ क्या हुआ? इस तरफ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? वहाँ भी कुछ नहीं है सर। ये भिखारी दिखने में कैसा था? सर, उसके एक हाथ में बैसाखी थी, लाल रंग का पोटला, गले में गमछा और शायद आधा गंजा था। अभिजीत, इस फ्लाईओवर के नीचे बहुत भिखारी बैठे हुए होते हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा। मैंने सुना जो आशुतोष ने बताया भिखारी के बारे में। मैं यहाँ नीचे जाके देखता हूँ। ए, कौन हो तुम लोग? इससे पूछ के यहाँ पे आए? तुम यहाँ के वॉचमैन हो, ड्यूटी पे क्यों नहीं थे? मेरी मर्जी। और तुम कौन होते हो मुझे ड्यूटी सिखाने वाले? सीआईडी। सीआईडी जाते हो, तुम्हारे वजह से यहाँ पे एक औरत का खून हो गया। मेरी वजह से खून? किसी ने यहाँ छत से नीचे एक औरत पे गोली मारी, क्या जानते हैं उसके बारे में? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? हाँ? मैं डर गया था साहब। What? क्यों डर गया था? क्या जानता है इस खून के बारे में? साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो किसी का खून करने वाला है साहब। कौन था वो आदमी? पहले कभी देखा नहीं साहब। उसने बोला कि वो बिल्डिंग के छत पे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है साहब। उसने 2 घंटे 15,000 रुपए दिए थे साहब। मैंने तो इतने एक महीने में भी नहीं कमाए साहब। उसने हेलमेट पहन रखा था और चश्मा लगाया हुआ था। सुनो भाई, ओ भाई साहब, ये एक ऐसे आदमी को देखा है जो लाल गमछा बांधता है, अरे लाल रंग की पोटली रखता है और बैसाखी से चलता है? क्या अरे सुनो भाई यार, एक आदमी को देखा है तुमने जो लाल रंग का गमछा बांधता है, पोटली है उसके पास लाल रंग की, बैसाखी से चलता है? नहीं देखा? अरे सुनना जरा, अरे सुनो भाई, बात करनी है यार। अरे ए, क्या कर रहा है भाई? अरे रुको यार, अरे मेरा कुछ नहीं किया है। अरे मैं भिखारी हूँ, मेरे पास पैसे में से कुछ भी नहीं है। अरे कौन हो, छोड़ दो मुझे। अपाहिज होने का नाटक कर रहा है, तुझे मालूम है बिना पैर के आदमी कैसे जीता है? अरे कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मेरे पास पैसे नहीं से नहीं, मैं रास्ते का भिखारी भीख के जीता। तो जानबूझ के उस लाल वाली गाड़ी के नीचे गिरा था ना? कौन सी लाल गाड़ी? मैं किसी गाड़ी के आगे ले आया। साहब क्या दादागिरी है, आप इसे छोड़ दीजिए वरना ठीक नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। CID से हूँ मैं। इधर जरा शराफत से बता दे वरना मैं अपने पे आ गया तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, आप पक्का CID से। तो बताता हूँ, वो एक आदमी ने मुझे पैसा दिया था ये सब करने के लिए, और उसने कहा था कि जैसे ही लाल गाड़ी आती है तुम उसके आगे गिर जाना, तो मैं गिर गया साहब। तुझे पता कैसे चला कि लाल गाड़ी कब आएगी? वो छत पे एक आदमी खड़ा रह के इशारा करने वाला था, जैसे उसने इशारा करना मैं गाड़ी के आगे गिरना, ऐसा हमारा प्लान था साहब। तुझे मालूम है एक औरत का खून हो गया तेरे इस प्लान के चक्कर में? साहब मुझे माफ कर दो, मैं रास्ते का भिखारी हूँ, देखो मेरी हालत कैसी है साहब, मुझे छोड़ दो। ये बता वो आदमी कैसा था दिखने में? नहीं वो साहब मोटरसाइकिल पे आया था, हेलमेट पहने हुआ था, तो चेहरा दिखाई नहीं दिया। अरे यार कुछ तो देखा होगा, कुछ सुना होगा तूने। उसका फोन आया था, सामने वाले ने कहा था कि जल्दी जल्दी मिलने आओ, तो हाँ तो उसने कहा था कि मैं पहुँचता हूँ। कहाँ पहुँचने का बोला था, कुछ याद है, कुछ सुना तूने? हाँ याद आया, भांडुप मिल। हाँ भांडुप मिल। अच्छा ठीक है वापस आ जाओ, मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। हाँ अभिजीत भांडुप मिल से वापस आ रहा है। उसका कहना है कि मिल एकदम सुनसान पड़ा है, कोई चिराग हाथ नहीं लगा उसके। खूनी तो वहीं पे भाग कर गया होगा, हो सकता है अभिजीत पहुंचने से पहले वहां से गायब हो गया। पंकज सर, पंकज एक काम करो, जिस वक्त सूची को गोली लगी थी उस वक्त उस एरिया में कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे पता लगाओ, स्नाइपर का फोन उसी में से एक हो सकता है। चल हाँ पंकज, ये भी देखना कि उनमें से कितने लोग भांडुप मिल गए थे। सर सर ये शैली है, NGO अकाउंटेंट। सूची एक NGO में काम करती थी, उसने वहां पर शैली नाम की एक अकाउंटेंट का भांडाफोड़ किया था। और ये पृथ्वी है जिनके खिलाफ सूची ने रिपोर्ट लिखवाई थी। सूची ने पुलिस में कंप्लेन भी की थी उसके खिलाफ, कुछ दिन के लिए जेल भी गया था। आपने सोच भी कैसे लिया कि सूची के खून में मेरा हाथ हो सकता है? हाँ सर, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। शैली तुम्हारी नौकरी चली गई थी सूची के वजह से, और उसके बाद से तुम्हें अभी तक कोई नौकरी मिली नहीं। उधार के पैसे ले लेके घर का खर्चा चला रही हो तुम। हाँ और पृथ्वी, एक हफ्ते तक तुम्हें जेल में रहना पड़ा, अपने मोहल्ले में काफी बदनामी हुई तुम्हारी। क्यों? तो क्या हुआ? अगर मुझे बदनामी का इतना डर होता तो मैं अपना घर बदल लेता, मर्डर थोड़ी ना करूंगा मैं किसी का। एंड सर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, इट्स जस्ट लाइक कि मुझे मेरे लायक कोई जॉब नहीं मिल रही है, इस वजह से मैं कहीं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। आपको आशुतोष और उसकी नई पत्नी मिहिका से पूछताछ करनी चाहिए, वो आपस में खुश नहीं है लेकिन दिखावा करते। आशुतोष तो सूची के पास वापस जाना चाहता था, शायद मिहिका ने इसीलिए। एंड सर सूची की ना उसके भाई दिनेश से भी नहीं बनती थी, हमेशा ना फोन पे उससे झगड़ती ही रहती थी। अच्छा और किस बात को लेके होता था ये झगड़ा इन दोनों भाई बहन के बीच? एक्चुअली सर दिनेश ने आशुतोष को धमकी दी थी कि सूची से दूर रहे, शायद सूची को यही अच्छा नहीं लगा होगा। इन एक बार सूची ने मुझे ये भी बताया था कि मिहिका जलती है उसकी और आशुतोष की दोस्ती से। 100% 100% इन्हीं में से किसी एक ने उसका मर्डर किया। हाँ सर। अच्छा ठीक है, जा सकते हो तुम दोनों, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता ये शहर छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। इस केस में किसी की बातों का भरोसा नहीं हो रहा सर, ऐसा लगता है कि सब के सब झूठ ही बोल रहे हैं। हाँ पर यार जो भी है उसने बड़ी लंबी प्लानिंग की है, पहले भिखारी को पैसे दिए, फिर वॉचमैन को हायर किया, फिर स्नाइपर को हायर किया, तो सही वक्त मिलते ही सूची को उड़ा दिया। सर हाँ सर, जिस वक्त सूची को गोली चली थी सर, उस वक्त ब्रिज के आसपास 2000 लोगों के मोबाइल एक्टिवेट थे, तो उसमें से कौन सा मोबाइल फोन भांडुप मिल की तरफ गया देखा? एक फोन गया था सर उस तरफ, लेकिन वो प्राइवेट नंबर है तो वो ट्रैक नहीं हो पाया। और क्या बता सकते हो इस नंबर के बारे में? यही सर कि वो मिल तक गया लेकिन रुका नहीं, वो सीधा चला गया कामरी ब्रिज की तरफ और फिर वहां से सिग्नल चला गया सर। कामरी ब्रिज? सर विवेक की लाश भी तो हमें उसी ब्रिज के नहीं मिली थी, ये कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता? राजस्थान में फोन कर दे विवेक के गांव, पुलिस वालों को क्या इंफॉर्मेशन मिले उसके बारे में देखते हैं। या ये विवेक भी तो खूनी हो सकता है, किसी ने विवेक का खून कर दिया, एक खूनी का खून। कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, इस केस में कुछ भी हो सकता है। अबे बार बार भागता क्यों है? अरे हाँ बार बार मेरे पीछे पड़ते हो, क्यों पड़ते हो मेरे पीछे? बात करनी है तेरे से। मुझे नहीं बात करनी है। तो बहुत हुआ साहब, आप हम लोगों को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। कोई परेशान नहीं कर रहा, हम अपना काम कर रहे हैं, जाओ। हमको कुछ नहीं सुनना है, जाइए यहाँ से। अरे एक आदमी का खून हो गया, समझ में नहीं आता। हाँ तो क्या हम लोगों ने खून किया है? हम लोग गरीब लोग है, भीख मांग के खाते हैं, उसका मतलब हम पे इल्जाम डाल देंगे आप लोग? हाँ देखो ना। किसी ने भी एक पत्थर और उठाया तो गोली मार दूंगा। हम यहाँ पे कुछ सवाल पूछने आए थे, किसी को परेशान करना नहीं, जहाँ है वहीं खड़े रहो। अभिजीत तो ठीक हो? थोड़ा सा। ओह नो, पत्थर लग गया है। क्या किया तुम लोगों ने? हाँ? ये देख, याद इसने पैसे दिए थे तुम्हें, इसका भी खून हो गया? हाँ मर गया ये, ध्यान से देख। क्या ये वही आदमी है जिसने तुझे बोला था कार के आगे गिरने के लिए? जरा झुम झुम करो। ऐसी ही घड़ी उसने भी पहनी थी। शायद जिसने पैसे दिए होंगे इस आदमी को, उसी ने सबूत मिटाने के लिए इसे भी मार दिया। हाँ पंकज, हाँ अच्छा, ओह ठीक है ठीक है, ओके ओके थैंक यू। पंकज का फोन था, बता रहा था कि विवेक राजस्थान में किसी सर्कस में काम कर रहा था, निशानेबाज था। 1 महीने पहले उसने सर्कस की नौकरी छोड़ दी, कह रहा था कि मुंबई में कोई अच्छी नौकरी लगी है उसे। और हाँ जाते जाते वहाँ से वो राइफल वो भी चुरा के ले गया। राइफल चुरा के आया था? सोचे कि सुपारी लेकर आया होगा यहाँ पे, और ये दुकान पे इसलिए काम कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। हाँ और इस पूरे जुर्म का जो मास्टरमाइंड है वो राजस्थान तो गया होगा इस विवेक को सुपारी देने के लिए। है कौन ये मास्टरमाइंड जो आंखों के सामने रहकर भी नजर नहीं आ रहा है? अरे मिस्टर आशु। सर आप लोग यहाँ? मिस्टर आशु, उस आदमी का पता चल गया है जिसने शुचि पे गोली चलाई थी। वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। आपने पकड़ लिया उसे? विवेक नाम है उसका। आप लोग किसी विवेक को जानते हो? नहीं तो? कमाल है, आप किसी विवेक को नहीं जानते हो, मगर 15 बार कॉल किया आपने अपने मोबाइल से। क्या सर मैं जब किसी विवेक को जानता ही नहीं हूँ तो मैं उसे फोन क्यों करूँगा? सिर्फ इतना ही नहीं, उससे मिलने तुम राजस्थान भी गए थे। सर्कस में उसकी गोली चलाने की कला तुम्हें इतनी पसंद आ गई थी कि सूची को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया उसे, क्यों? एक मिनट सर, एक मिनट। ये बात सच है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए राजस्थान गया था, लेकिन मैं कोई सर्कस में नहीं गया था। और मैं जब कोई विवेक को जानता ही नहीं हूँ तो मैं उसे फोन क्यों करूँगा? तो क्या ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं? सर ये हो सकता है कि मेरे फोन से किसी और ने फोन किया हो, मेरी गैर मौजूदगी में। अच्छा, तो आप अपना फोन ऐसे ही लापरवाही से इधर उधर छोड़ देते हैं क्या? नहीं सर। हाँ सर, अच्छा ठीक है सर, ओके सर। डॉक्टर सालुंकी का फोन था, हमें फॉरेंसिक लैब में बुलाया, आशुतोष को लेके। बस सूची यहाँ बैठी हुई थी सीट पे, और ये सीट का हिस्सा है जो पीछे की तरफ, और ये है वो लीवर जिससे सीट आगे पीछे होती है, और इस लीवर को जाम कर दिया गया है। देखो लीवर को जाम कर दिया गया है। हाँ यार, बस यही सुना कि सर इसके लिए आपने हमको वहां से बुलाया? संकट क्या सर, अपनी बात सुनो ना। सुराग ये नहीं है कि ये लीवर अटका हुआ है, सुराग ये है कि इसे जानबूझकर पीछे अटकाया गया है। और सर सीट जानबूझ के कोई खराब क्यों करेगा? यही तो हम लोग भी सोच रहे थे। आशुतोष, ये तुम्हारी इस गाड़ी की सीट कब से ऐसी है, कब से पीछे अटकी पड़ी है? सर परसों रात तक तो ठीक थी, लेकिन कल सुबह जब निकला तो रिक्लाइन काम नहीं कर रहा था। मेरे पास ठीक कराने का वक्त नहीं था, इसलिए ऐसे ही निकल पड़ा। सालुंकी साहब, सीट खराब होने का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है फ्रेडी, और लेना देना यह है कि खूनी चाहता था कि सीट पीछे अटकी रहे ताकि सूची की पोजीशन ऐसे रहे पीछे की तरफ। सर अगर वो आगे बैठती या पीछे बैठती तो उससे खूनी को क्या फर्क पड़ता? खूनी तो गोली चलाने वाला था ना। यार पंकज, तुम एक काम करो, यहाँ ड्राइविंग सीट पे बैठो। तारिका, तुम सूची की जगह। हाँ। अब मान लो कि मैं सूची हूँ, तो जब मैं इस सीट पे बैठी थी तब मेरा सर ऐसे था। बस, सूची का सर यहाँ होने का फायदा खूनी को तब मिलता जब उसका एम सूची नहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी होता, मतलब आशुतोष होता। लेकिन आशुतोष को किसी भी वजह से बहुत जबरदस्त ब्रेक लगाना पड़ा, ब्रेक की वजह से झटका लगा और झटके में सूची आगे आई और बॉस गोली आशुतोष को लगने के बजाय सूची को लग गई। सर इसका मतलब आशुतोष खूनी नहीं है, बल्कि कोई उसका खून करना चाहता है। आशुतोष जी सर, तो एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दुश्मन है? कोई ऐसा दुश्मन जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? याद करके बताओ, सोचो। नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं कैसे आशुतोष, कोई तो होना चाहिए जिसने उतनी प्लानिंग की है तुम्हारी जान लेने की, सीट को भी जाम कर दिया। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गाड़ी की एक ही चाबी है और वो चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर कि ये सब क्या हो रहा है। कोई बात नहीं आशुतोष, वो जो कोई भी है हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो जो तुम्हें मारना चाहता है। ठीक है, चलो चलते हैं, आ जाओ। जी सर। सर हमने आशुतोष को जाने क्यों दिया? अगर खूनी ने फिर से हमला कर दिया तो? देखते रहना पंकज, अब हम आशुतोष की हर मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, हर बात हमें सुनाई पड़ेगी। सर वो किसे? दया ने ट्रांसमीटर बग जो लगाया है। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा तो आ जाओ घर पे, वहां पर वो जगह तो बंद है ना। ठीक है, आता हूँ। क्या कर रहे हो कल? माय गॉड, गोलियों की आवाज है, जल्दी चलो, कहीं और एक खून ना हो जाए। सर बस पहुंच ही रहे हम लोग। सर हाँ, हमारा ये वाला जो सस्पेक्ट है सर, अभी अभी खबर आई कि ये भी राजस्थान गया था आशुतोष का पीछा करते करते। ये तो आशुतोष के बिल्कुल करीब था। दिनेश सर, मैं सुची का भाई मर गया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये मुझे मारना चाहता था सर, ये मारना चाहता था मुझे। क्यों मारना चाहता था इसमें? सर इसे लग रहा था कि इसकी बहन की बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूँ। शादी के बाद सुची डिप्रेशन में चली गई थी और उसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की, और ये सब मैं नहीं जानता था सर, बिल्कुल नहीं जानता था। जाने अनजाने में इन दोनों की मौत का जिम्मेदार मैं बना हूं सर, जाने अनजाने। पंकज, इसे जरा छांव में बिठा दो, मेरी फोरेंसिक लैब भेज दो। कहानी में नया ट्विस्ट। आशुतोष, जानते हो क्या है ये? नहीं सर, मुझे नहीं पता। नहीं पता? अभी जान जाओगे। पंकज, तलाशी लो इनकी। मगर क्यों? हाथ ऊपर करिए, पता चल जाएगा आपको। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, आप मेरी तलाशी क्यों ले रहे हैं? मेरा यकीन मानिए सर, मेरे पास कुछ रबर बुलेट्स। मुझे नहीं पता सर, इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? हा? तुमने इस गन से दिनेश का खून किया, असली बुलेट से। हा? तो फिर ये गन कैसे आई तुम्हारे पास, और वो नकली रबर बुलेट कैसे फायर हुआ और कब? सब प्लान मैंने किया था सर, A to Z प्लान मेरा था। सूची की मौत, दिनेश की मौत, और वो प्लान भी यही था कि आप लोगों को यही लगे कि सूची की मौत गलती से हुई थी, बल्कि असली टारगेट मैं था और आप लोगों का शक दिनेश पर जाए। लेकिन सारा प्लान मिट्टी में मिल गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। क्यों मारा तुमने सूची को? क्या मिला तुम्हें सूची को मारकर? सूची मेरी बेटी रूही को लेकर हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रही थी सर, और ये बात उसने मुझसे छिपाई थी। आप ही बताइए सर, अपनी इकलौती बेटी को खुद से दूर कैसे करने देता? और इसलिए तुमने विवेक को, उस शार्पशूटर को पैसे दिए अपनी बीवी सूची की जान लेने के लिए, और जैसे उसने काम खत्म कर दिया तुमने उसे भी मार डाला। तुमने दिनेश को ऐसा क्या कहा कि वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ गया? मैंने मिहिका को दिनेश के पास भेजा था। क्या? हाँ दिनेश, मुझे अभी पता चला कि आशुतोष ही तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है और वो तुम्हें भी मारना चाहता है। नहीं नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा। दिनेश पागल हो गए हो क्या? खून करोगे तुम? उसने मेरी बहन को मारा, मेरी बहन को। एक पत्नी को मेरी बहन को मारते हुए उसे कुछ नहीं लगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरी बात तो सुनो। और मौका मिलते ही उसकी गन बदल दी। जो गोलियां दिनेश तुम पर चला रहा था वो नकली थी? हाँ, लड़ाई के दौरान मैंने गन बदल दी थी ताकि आप लोगों को लगे कि आत्मरक्षा के लिए मैंने दिनेश को मारा है और आप लोगों के सामने मैं बेगुनाह दिखूं। क्या छोड़ा तुमने अपनी बच्ची के लिए? ना माँ ना बाप। उसी बच्ची को पाने के लिए तुमने उसी की माँ को मार डाला, और फिर इस जुर्म में तुम भी जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। बताओ आशुतोष, क्या मिला तुम्हें अपनी बच्ची को इस तरह से अनाथ करके? हुँ? क्या मिला? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.